जय जिनेन्द्र बंधु, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में अभिनंदन है आप सभी का। हमारे साथ स्टूडियो में हर बार की तरह डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे सबसे पहले कॉलर विकास जैन जी से बात करते हैं जो कि जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से। हेलो जी। जी विकास जी, बताइए क्या आप पूछना चाहते हैं। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे अपनी फैक्ट्री में एक मशीन लगानी है जी। वो मैं किस दिशा में लगाऊं? विकास जी, मशीन किस चीज की लगाना चाहते हैं आप अपनी फैक्ट्री में? मशीन वो पीसने की मशीन है, चक्की टाइप की। अच्छा, चक्की टाइप की, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस बात पर निर्भर करता है कि मशीन का स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है। क्योंकि यदि मंथन की है तो उस मशीन को आप ईस्ट साउथ ईस्ट में लगाइएगा, तो पीसने की है तो वो है, आपको बहुत अच्छे परिणाम देगी और आपको ये 15 दिवस में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप निश्चित रूप से मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, पीसने जैसी ग्राइंड करने वाली वस्तु को आप हमेशा ही मंथन के जोन में ही लगाइए, यानी कि पूर्वी आग्नेय ईस्ट साउथ ईस्ट में आप लगाएंगे तब आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आपकी स्वर की क्लास भी ज्वाइन करी है। तो गुरु जी, जैसे मैंने स्वर की क्लास ली थी, जब से मैंने स्वर की क्लास ली है तब से मैं फिर स्वर का पालन किया, तो मेरे सर की समस्या थी 10-15 सालों से, तो वो समस्या दूर हो गई जी। और मेरे व्यापार में, मेरी फैक्ट्री में, स्वास्थ्य में, जीवन में एक नई उत्तेजना का आरंभ हुआ और आज मेरी जो सरदर्द की समस्या 10-15 सालों से थी वो ठीक हो चुकी है पूरी तरीके से। लगभग 2-2.5 महीने से सरदर्द नहीं हुआ है, जो हर 4-5 दिन होता था। और मैंने गुरुजी को घर पर, राजेंद्र जैन गुरुजी को घर पे विजिट के लिए बुलाया था और उन्होंने चेक करके बताया कि इसमें एनर्जी नहीं है घर में, बिल्कुल भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है बहुत ज्यादा। और मेरी मम्मी और वाइफ के में भी बहुत नेगेटिव एनर्जी थी, तो जो उपाय आपने बताए उसके लिए मैंने वो सारे उपाय किए और अभी लगभग 1 महीने बाद ही इतनी पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर और उन दोनों के अंदर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वास्तु जो आप टिप्स देते हैं, जो सब बताते हैं, इनका बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया विकास जी, यदि हर व्यक्ति इस तरह से हर फार्मूले को उपयोग करेगा तो निश्चित रूप से उसे हर फील्ड में सफलता ही प्राप्त होगी। डॉक्टर साहब, अगला मेल राजेश जी का है। ये कह रहे हैं कि मेरा गारमेंट का बिजनेस है लेकिन हमारे जो दुकान है उसके उत्तरी भाग में, भाग के सामने एक ऊंची सी इमारत बन चुकी है, एक मॉल है, जिसकी वजह से पहले तो मेरे व्यापार में बहुत मुनाफा होता था लेकिन अब लगातार घाटा होता जा रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ उपाय बताइए। राजेश जी, जब तक आपके बाजू में यानी उत्तरी भाग में, नॉर्थ डायरेक्शन में एक ऊंची बिल्डिंग नहीं बनी थी तब तक आपका व्यापार अच्छी गति पकड़ रहा था, क्योंकि आपके उत्तरी भाग से आकर्षण का जोन है वह एक ऐसा, उत्तर से दक्षिण की तरफ चुंबकीय तरंगें बहती हैं, इसलिए हर ग्राहक खींचा चला आ रहा था। जैसे ही उत्तरी भाग में बिल्डिंग आपसे कई गुनी ऊंची बनी कि वहाँ आकर्षण समाप्त हो गया और आपकी दुकानदारी पे फर्क पड़ गया। अब आप ऐसा करें, अपने स्थान का परिवर्तन कर दें या फिर अपनी उस भूमि में ऐसी एनर्जी, ऐसा आकर्षण, ऐसा चुंबकीय फोर्स आप अपने में पैदा करें। कुछ चुंबकीय बॉल लगाई जाती हैं उत्तरी दीवार पर, यदि वो लगा देंगे तो आपके बाजू का प्रभाव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपकी दुकानदारी पुनः चलना प्रारंभ हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अगला मेल सीमा जी ने भेजा है। ये कह रही है कि डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारा जो बेसमेंट है पहले बहुत साफ सुथरा रहा करता था लेकिन अब पिछले कुछ समय से इसमें कबाड़ा भरा ही रहता है। लाख बार प्रयास करते हैं कबाड़ा हटाने की लेकिन फिर न जाने कहां से भर जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, क्या इसके पीछे भी कोई वास्तु दोष है? सीमा जी, आपके बेसमेंट पहले क्लीन रखते थे, अब आपने कबाड़ा भर रखा। कबाड़े की कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, कोई सामान नहीं।
जो भी टूटा फूटा बंद मशीन है, बंद पड़ी कुछ भी आइटम है, वो सब पटक दिए जाते हैं। जिस तरह से जब आप भूमि का निर्माण करते हैं तो भूमि की मिट्टी को निकालें, जब मिट्टी को अलग किया जाता है, कचड़े को अलग किया जाता है ज़मीन के, तब आप उस कचड़े को ज़मीन के नीचे डाल करके वही रोल अदा करवा रहे हैं। इसलिए आप कबाड़ियों को कबाड़ा दीजिए, अपने घर का कबाड़ा करना हो तो कबाड़ा संग्रहित करें, यदि अपने व्यापार का कबाड़ा निकलवाना हो तो अपने व्यापारिक स्थल पर कबाड़ा इकट्ठा करके रखें। कभी भी गुजरात के हर घर में, हर फैक्ट्री में कभी भी कबाड़ा इकट्ठा नहीं रहता, इसलिए गुजरात सबसे संपन्न समृद्ध स्टेट है। हर घर में 3 टाइम पोछा लगता है, जरा सी निगेटिविटी भी वहाँ पर रुक नहीं पाती, उनकी सफाई के कारण उनकी एनर्जी इतनी बढ़िया रहती है, वह 1 टाइम 3 टाइम में से नमक के पानी का पोछा अवश्य अपने घर में अपने प्रतिष्ठान में लगवाते हैं। जी डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर हमारे साथ शिल्पा जी जुड़ी हैं। हेलो। हाँ जी मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ। जय जिनेन जी, मेरा प्रश्न है कि अगर घर में स्वास्थ्य का उल्टा बना हुआ हो तो उसका क्या सोच परिणाम, क्या उससे प्रॉब्लम हो सकती है कुछ? शिल्पा जी, हिटलर ने बनवाया था उल्टा स्वास्थ्य, हिटलर के क्या हाल हुए वही हाल समझ लीजिए। जिस घर में किसी विशेष तंत्र मंत्र को उल्टा स्वास्तिक बनाया जाए तब ठीक, लेकिन धोखे से यदि उल्टा स्वास्तिक बन जाए तो घर के सारे काम उल्टे हो जाते हैं, यानी कि इसका प्रभाव हर चीज पर पड़ता है, व्यवहारिक, व्यवसायिक और शारीरिक। तो इसका क्या उपाय कर सकते हैं हम? उसे पुनः किसी मुहूर्त में प्राश्चित लेकर के साफ करके सीधा स्वास्तिक अंकित किया जाए। धन्यवाद। और गुरु जी, मैं एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। जी मैंने सर की क्लास ली थी आपकी दिल्ली में जुलाई में। जी। और मुझे क्लीजिंग की प्रॉब्लम थी 7-8 सालों से। हाँ जी। और मैंने स्वर को फॉलो करना शुरू किया अपनी डेली लाइफ में, हर डेली रूटीन में मैंने स्वर को फॉलो अप किया, जिससे मुझे क्लीजिंग की प्रॉब्लम में 80% तक सुधार आ चुका है कि अब तो मैं मेडिसिन नहीं हूँ, मैं तो डेली एलोपैथिक मेडिसिन एक जरूर लेती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल बंद हो गई है कि जरूरत ही नहीं है मुझे लेने की, कि बस ऐसे ही हो जाएगा ठीक, स्वर के साथ ही करती हूँ, वो उसी से ही ठीक हो जाता है। और खुद में मैंने पॉजिटिव एनर्जी जो है महसूस की है, प्लस मैं एक स्टूडेंट हूँ और कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करती हूँ, तो जब से मैंने स्वर के साथ पढ़ना लिखना अपनी स्टडी स्टार्ट की है तो मुझे ऐसा जो है मेरे को जल्दी जल्दी याद भी होने लगा है और मैं उसको स्टोर भी काफी टाइम तक रख पाती हूँ। मेरी मेमोरी, मुझे लगता है कि स्वर से मेरी मेमोरी में भी इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुई है, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा स्वर की क्लास करने के बाद, मुझे बहुत अच्छा अनुभव मेरे को हुआ और मैंने यही सोचा कि लाइफ में मैं शिल्पा जी, स्वर यदि आपके साथ है, स्वर के साथ आप हैं तो जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकती हैं, इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र दुनिया का नहीं होता। मुझे सुनकर के इतना आनंद आ रहा है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में स्वर के साथ दिनचर्या व्यतीत करने लग जाएगा तो उसके सफलता उसके हमेशा 100% कदम चूमेगी, और जो आपको प्राप्त हुआ वो तो मुझे उम्मीद ही थी, क्योंकि यह स्वर विद्या मेरी नहीं, ये तो सुपचंद आचार्य ने इसका ओरिजिन किया था, इसमें मैं तो सिर्फ उनकी विद्या को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, इस विद्या में मेरा कोई नहीं, बल्कि आप एक बार नित्य सुबह सुपचंद आचार्य को जरूर याद करके और उन्हें नमन अवश्य करिएगा। जी मैं उनको जरूर करती हूं और मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूं कि हमें आपने इस क्लास में शामिल किया और हमें इस कैपेबल समझा कि हम आपकी क्लास में आ सके, इसलिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करती हूं। डॉक्टर साहब, ये जो अगला मेल आया है इसमें इन्होंने नाम मेंशन नहीं किया है, ये बस लिखती हैं कि मैं एक नव विवाहिता हूँ, बहुत दुखी हूँ, कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से मेरी सास ने मुझे दूसरा कमरा दे दिया यानी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया, तब से मुझसे कोई ढंग से बात नहीं कर रहा, मेरे जीवन में परेशानियां आ रही हैं, यहाँ तक कि जितनी खुशियां मिली थी सब ऐसा लग रहा है कि बर्बाद हो गई है, पति भी ढंग से बात नहीं करते। निश्चित रूप से आप कोई विसर्जन के जोन पे पहुंच गए हैं, जो आपने कहानी रिपीट की वो सिर्फ विसर्जन के जोन की है, आप गारंटी के साथ देख लीजिएगा
कि आप पहले साउथ वेस्ट या वेस्ट में सहन कर रहे होंगे, जैसे ही साउथ साउथ वेस्ट में सहन करते हैं वैसे ही सब छिन जाता है। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा जिनको नींद नहीं आ रही थी और जैसे ही उनको स्टेबल जोन में वेस्ट में साउथ वेस्ट में साउथ में सहन करवाया वैसे ही ऐसे नींद आने लग गई जैसे कि बरसों से सहन ही नहीं किया हो। इसलिए आप सहन तो कम से कम सही स्थान पर करें, पुनः आपकी खुशियां वापिस लौट आएंगी यदि आप अपने पुनः उसी सहन कक्ष में पहुंच जाएं जहां पर पहले सहन कर रहे थे। डॉक्टर साहब, अगला मेल जो है वो अमित जी का है। वो कहते हैं कि मैंने अपने व्यापार का नाम बदल दिया है, जब से बदला है तब से बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है मेरे साथ। तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि एक छोटे से नाम को बदलने के बाद जब इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, तो क्या अगर हम रंग की बात करें या टेक्स्ट की बात करें, फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें, तो इन सब चीज़ों का भी वास्तव में कोई इफ़ेक्ट पड़ता है क्या व्यापार की दृष्टि से? इसे कहते हैं व्यापार का नामकरण। जब नामकरण सही किया जाता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को अच्छा व्यापार गति पकड़ लेता है। कभी कभी लोग अपना नाम बदल करके भी और व्यापार की गति बदल लेते हैं। उसका कारण यह होता है कि व्यापार में हमेशा ही अपने नाम की राशि चलती है, ना कि जन्म राशि, क्योंकि जन्म राशि स्थाई काम के लिए होती है और व्यापार को कभी स्थाई काम में नहीं माना जाता है। इसलिए व्यापार के नाम उस के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो ग्रह से संबंधित आप कार्य कर रहे हैं। इसलिए नाम ही नहीं अपितु रंग बदलने से आप, बल्कि आपका अपना जो टेबल है जो रखा जाता है उस पर भी टेबल की साइज बदल देने से, स्थान बदल देने से, एनर्जी बदल देने से, विजिटिंग कार्ड बदल देने से, लेटर हेड लेटर पैड बदल देने से और आपका अपना मोनो बदल देने से लोगों में इतना जबरदस्त व्यापार में परिवर्तन आया है कि कहाँ नीचे से ऊपर पहुंच गए। और कुछ लोग जब आप अपने कोई नाम का पिरामिड अंक जीरो बना देते हैं तो निश्चित रूप से सारा काम जीरो हो जाता है। जब आप अपने व्यापार की टेबल का आय जीरो बना देते हैं तो वह व्यापार जीरो हो जाता है। जब आप अपने विजिटिंग कार्ड की आय जीरो बना देते हैं तो आपका व्यापार जीरो हो जाता है। इसीलिए यदि आपको अपनी व्यापार की आय अच्छी रखना है तो एक आय या पाँच आय की सारी सामग्री बनाइएगा, फिर देखिएगा कि व्यापार क्या तरक्की करता है। व्यापार की तरक्की के लिए चार चांद लगा सकते हैं यदि हम आय व्यापार वास्तु का प्रयोग करें तब। डॉक्टर साहब, अगला मेल जो आया है अनीता जी का है। ये कह रही हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, यानी मेरे सास ससुर और जो उनके सास ससुर थे, उन सबके देहांत के बाद हमने जो उनकी तस्वीर थी वो मंदिर में लगा दी भगवान की तस्वीरों के साथ, तो क्या ये सही है? और अगर ये सही नहीं है तो कृपया कर बताइए कि सही जगह कौन सी है अपने बुजुर्गों की तस्वीर लगाने के लिए। अनीता जी, मैं यूं तो नहीं कहूँगा कि आप अपने बुजुर्गों की तस्वीर ना लगाएं, लेकिन मंदिर में जो तस्वीर आपने लगाई होगी भगवान की तस्वीर है और भगवान के बराबर में ही आप लगा दी होगी, तो एक तो बराबर का दोष ये दोष हुआ। दूसरा दोष, भगवान के मुख हमेशा उत्तर और पूर्व में किए जाते हैं, लेकिन हमारे जो लोग परलोक सिधार गए हैं उनके मुख हमेशा दक्षिण में किए जाते हैं, इसलिए दूसरा दोष हुआ। तीसरा दोष यह हुआ कि यदि आप उनके लिए यथोचित जो सम्मान आप जो पूजा आप भगवान की करते हैं वो उनकी हो जा रही, तो यह भी गलत है। इसलिए आपको हमेशा ही उत्तर की दीवार पर दक्षिण की तरफ मुख करते हुए तस्वीर आप अपने घर में लगाएं, लेकिन भगवान के साथ बराबर में ना लगाएं और उनका फेस दक्षिण में ही रखें पूर्वजों का, तब उचित होगा। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ अपने आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से होगी आपके साथ मुलाकात एक नए विषय के साथ। आपके कॉल्स तो रहेंगे ही, साथ में आपके मेल्स भी रहेंगे और जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वो ऑडियोज भी हमारे पास है। इन सभी तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन है उसके हल आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेंगे। तो लगातार इस कार्यक्रम में बने रहिए। रात्रि 9:20 पर इस कार्यक्रम में अपना टीवी जो है उसे ओपन कर लीजिए, उसके बाद जो कुछ भी है
आपको यही मिल जाएगा। आपके मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं वो किसी और दर्शक के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जब भी आप कार्यक्रम देखते हैं तो एक कागज और पेन लेकर बैठा करें, क्योंकि जो यहाँ पर छोटी छोटी बातें बताई जाती है उसे आप लिख लिया करें, ताकि फ्यूचर में भी आपको वो बातें काम में आए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिने। आज का वास्तु टिप्स उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को जीवन ना समझ के जीवन की यह लीला को समाप्त करना चाहते हैं। उनके लिए विशेष टिप्स ये है कि वह अपने घर के पूर्व दिशा या ईशान दिशा में एक ऐसा ज्योति को प्रज्वलित करें जो अग्नि रहित हो। अग्नि रहित से अभिप्राय यह है मेरा कि सिर्फ कुछ समय के लिए गाय के घी का एक मिनट के लिए दीप प्रज्वलित करेंगे तो वह आपकी समस्त नकारात्मक एनर्जी को पलायन कर देगी। और पूर्व दिशा में आप ऐसा काम करें कि उस दिशा में एक हरे रंग की कोई पेंटिंग टांग दें या ग्रीनरी का, तो आपका मन कभी भी इस तरह का नहीं होगा कि हम इस तरह के काम कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से लगातार हम रिसेशन के कारण घाटे की स्थिति में चल रहे थे। पिछले वर्ष भारत के सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र जैन जी इंदौर से हमारे आमंत्रण पर सतना पधारे और पूरे प्लांट का निरीक्षण करके उन्होंने वास्तु संबंधी अनेक दोषों से हमें अवगत कराया और हमारी प्लांट की वास्तु की जो कमियाँ थी उनको दूर किया। कुछ जमीन पर एनर्जी डेवलप की, उनके सहयोगियों के साथ कुछ भक्तांबर का अखंड पाठ भी किया गया और उन्होंने जो जो उपाय हमें बताए वे सब हमने पूरे किए और उसका नतीजा ये निकला है कि वर्ष 15-16 में हमारा कारखाना प्रॉफिट में आ गया है, जो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम डॉक्टर राजेंद्र जैन जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। न केवल सतना वरन हमारे ग्रुप की जो रीवा में विंध्या टेली लिंक्स लिमिटेड करके इंडस्ट्री है उसमें भी डॉक्टर जैन साहब ने अनेक सुझाव हमें दिए, वास्तु संबंधी दोषों का निराकरण किया और उससे वहाँ भी हमें समृद्धि की ओर अग्रसर होने का लाभ मिला है। वास्तव में डॉक्टर जैन साहब की जो अनुभव है इस क्षेत्र का वह प्रशंसनीय है, सराहनीय है और हम इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।